तो ये भागते भी नहीं है, ये है सामने भाई कितना, मतलब ये सांप इतना मोटा, उस पर मेरा पैर रखा था, इसे बच गया था। Hey guys, welcome back on a new vlog video। तो मैं भी घर में अंदर बैठा हुआ था, तो मेरे को बाहर से आवाज आ रही थी बहुत तेज तेज, तो मैंने देखा कि कुछ मंकी हैं, बहुत सारे मंकी हैं, कुछ मंकी नहीं है, आओ दिखाता हूँ मैं कितने सारे मंकी हैं इधर पे। तो यार एक नहीं है, बहुत सारे मंकी हैं, दिखाता हूँ, चलो देखो यार कितने सारे मंकी हैं और भाग रहे इधर से देख के। इधर बगल में भी आ जाओ ना इनके, तुझे पता नहीं है, देखो कितने बगल में, ये सामने कितने सारे मंकी हैं। अभी ये पेड़ पे चढ़ जाएंगे, और एक नहीं है भाई, ये मतलब होंगे 50-60 मंकी एक साथ। ये देखो सामने कितने, मतलब कितने पास भी आ जाओ ना, जब भी नहीं भागते ये। ये दिख रहा है सामने, ये बैठे हुए हैं, कितने सारे मंकी हैं, देखो भागते भी नहीं है, ये बैठे हुए जा रहे हैं। इनके इधर पे प्यारी प्यारी बेबीज हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं भागते इधर से, डर के अपन से डरते नहीं है पहली बात। ये बैठा है एक सामने, एक वो जा रहा है, और बहुत सारे बेबीज हैं उनके हाथ में। और देखो दिखाता हूँ, दो पेड़ पे चढ़ चुके हैं, और वो सामने देखो कितने सारे हैं, ये पूरे मंकीज एक ही ये बैठा है सामने। इधर है ना, इनको डर भी नहीं लगता है, बहुत सारे रहते हैं, देखो ये इतने से भी नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं डरते, और इधर ही घूमते रहते हैं। ये बैठा है, ये हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं डरते ना, अपन से डरते हैं, अपन डराओ मत इनको, एक तो मारते नहीं है, तो इसलिए नहीं डरते हैं ये बिल्कुल, और भागते भी नहीं है। ये सामने बैठे हुए हैं, और कुछ ये सामने पेड़ पे बैठे हुए हैं, और ये इतने सारे मंकीज हैं, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता 1%, कहीं भी इधर घूमते रहते हैं ये बिल्कुल। और डॉगीज वगैरह हैं उनसे, हाँ उनसे डरते हैं, बट अपन से नहीं डरते। देखो इतने पास भी आ जाओ ना, जब भी ये इधर ही घूमते रहते हैं, ये बैठा है इतने पास, और ये ब्लैक मुंह वाले बंदर हैं, ये कि थोड़ी डेंजर होते हैं, डेंजर टाइप के, बट हम लोग नहीं डरते इनसे, बट यार डरना भी चाहिए क्योंकि ये पत्थर मारते हैं फेंक फेंक के वापस, ये बहुत ही खतरनाक बंदर होते हैं ये। एक तो प्यारे भी हैं और ख़तरनाक भी हैं, एक ये बैठा हुआ है मंकी जो कि बहुत प्यार कर रहा है अपने बच्चे से, छोटे से, वो सामने दिख रहा होगा अभी। ये बिना ये डरते बिल्कुल नहीं है, तो अच्छी बात है, ये डरना भी नहीं चाहिए वैसे तो, बट अपन से नहीं डरते। ये भी देखो कितने सारे बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं कुछ, और एक सेकंड दिखाता हूँ मैं बागल में भी जाके, पास में जाके दिखाता हूँ। ये देखो पेड़ पे चढ़ रहा है, इधर पे ये पेड़ पे चढ़ जाते हैं, जैसे कि इनके थोड़े पास जाओगे ना तो ये डर के पेड़ पे चढ़ जाएंगे। एक ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है सामने, ये ऐसे चढ़ जाते हैं। एक तो ये डरते नहीं हैं इनसे, तो अपन को डर लगने लगता है, कोई अपन से ना डर रहे तो अपन को डर लगता है सीरियसली। ये सामने बैठे हुए पेड़ पे, इधर ही रहते हैं ये, अब तो इधर ही जो हमारे फल वगैरह लगे हुए खा जाते हैं। ये बैठे हुए हैं और बहुत सारे हैं भाई, 60-70 हैं अभी तो, और बढ़ गए हैं। इधर ही घूमते रहते हैं ना, डॉगी से भी नहीं डरते, हमारा डॉगी ये घूम रहा है बट उससे भी नहीं डरते ये, तो इधर ही रहते हैं और फसल भी खराब करते हैं बहुत ज़्यादा। और जब भी मेरे जेब में पैसे रहते हैं तो मेरे को एक ही काम याद आता है, कोल्ड ड्रिंक पीना, तो दोबारा मैं जाता हूँ कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, उसके बाद इधर पे ही मिलता हूँ। फिर से अपन आ चुके हैं कोल्ड ड्रिंक पी के, आज ज़्यादा हो गई भाई यार, बड़ी वाली हाफ लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक पी ली आज, थोड़ा ज़्यादा पी लिया, बहुत ज़्यादा पी लिया आज तो। और दोबारा चलते हैं अपन घर पे, अब थोड़ा मेरे को काम करना है, तो काम करते उसके बाद मिलते हैं। और भाई बंदर दोबारा यार कितना परेशान करता हूँ, सामने दिख रहे हैं, एक नहीं है बहुत सारे हैं, दिखाता हूँ मैं कितने सारे हैं यार, ये बहुत परेशान करते हैं, देखो कितने सारे, ये सामने पूरे ना पेड़ पे बैठे इधर पे, बहुत सारे बैठे हैं, एक नहीं है बहुत सारे बैठे, तो ये भागते भी नहीं है, ये सामने भाई कितना, मतलब ये दिख रहा है, मतलब और बहुत सारे हैं बेटे, ये कितने बगल में से देख रहा हूँ मैं, थोड़ा जूम किया है मैंने, बट जब भी देखो कितने बगल में से दिख रहे हैं, देखते नहीं है, देखो इतने पास में से वो ब्लैक वाले बंदर ये जा रहा है। पता है किसी चीज़ को ठान लूटो ना, उसे करके ही मानते हैं भैया अपन तो, फुल्ली 100 डेज चैलेंज तो आराम से होगा, अभी तो कितने देर हो, 28 डेज हो चुके हैं ब्लॉग अपलोड करते करते, एंड या 100 डे भी हो जाएंगे, बहुत जल्दी होने वाले 100 डे भी आराम से हो जाएंगे, बट मेरी ग्रोथ भाई बहुत धीरे धीरे हो रही है, बहुत धीरे धीरे, मेरी वीडियो ज़्यादा हो गई, सब्सक्राइबर कम हो गए। पता है हमारे इधर एक पेड़ है जिसको रबड़ बनती है, रबड़ वाला पेड़ है, ये वाला पेड़ है, इससे बनती है रबड़, ये लगा हुआ है इधर पे, ये रबड़ वाला पेड़ है, इससे रबड़ बनती है, बहुत सारी हमारे इधर बहुत सारे पेड़ हैं ऐसे, बट हमारा कुछ यूज नहीं है उनसे, ऐसे ही लगे रहते हैं, कहते हैं कि सांप वगैरह नहीं आते इससे पास। कल पता है मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, मैं ना कल ब्लैक सांप इतना मोटा, उस पर मेरा पैर रखा था, इसे बच गया था, मैं जा रहा था नीचे थोड़े काम से, मतलब हमारे इधर खेत के नीचे की साइड, तो उस पर ना सीधा दौड़ते हुए जा रहा था, तो नीचे से इतना मोटा ब्लैक वाला सांप वो जा रहा था, उसे पैर रखते हुए मेरा बच गया, नहीं तो कल मेरी बैंड बच जाती अगर खा लेता, तो वो जहरीले सांप रहते हैं, बहुत जहरीले रहते हैं हमारे इधर के सांप।
इसलिए ना मैं तो अब मतलब देख देख के जाता हूँ, हर जगह ऐसे नहीं जाता मैं, अब देख के चलना पड़ेगा क्योंकि हर जगह अब गर्मी आ गई ना, उस कारण निकल निकल के आते हैं। ये पता है मेरा बाहर जाने का प्लान है बट थोड़ा डिले हो रहा है, वो आगे बढ़ता जाता है, जैसे मैं जाने का होता है मेरा तो आगे बढ़ जाता है प्लान। अभी मेरा भोपाल जाने का था वो भी आगे बढ़ चुका है, पंचमढ़ी जाने का था वो तो कन्फर्म है बट थोड़ा आगे है, वो है नेक्स्ट मंथ में जाने वाले होंगे पंचमढ़ी। फुल्ली भाई बहुत मजे करेंगे अपन पंचमढ़ी में, तो जब चलेंगे जब बात करते हैं। अभी तो अब मेरा प्यारा सा ब्लॉग करते हैं एंड अब मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।